Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत में तमाम तरह की धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज तथा धर्मकांड देखने को मिलते हैं। कुछ परंपराएं इतनी अजीबोगरीब हैं कि जिनके बारे में सुनकर आश्चर्य भी होता है। आज आपको हम ऐसे ही एक अनोखे रिवाज के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में जानकर यकीनन आपको हैरानी होगी। यह तो सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में शादी के बाद महिलाएं सुहागनों की जिंदगी जीती हैं और उनके लिए बिंदी, सिंदूर, महावर जैसी चीजों से श्रृंगार जरूरी माना जाता है। यह सुहागन स्त्रियों का प्रतीक होता है। हिंदू धर्म के अनुसार अपने पति की लंबी उम्र के लिए स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार न करना अपशगुन भी माना जाता है। दूसरी तरफ देश में एक ऐसा समुदाय है जिस समुदाय की महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए हर साल विधवा जैसी जिंदगी जीती हैं। इस समुदाय की महिलाएं पति के जिंदा होते हुए भी हर साल 5 महीने के लिए विधवाओं की तरह रहती हैं। हम जिस समुदाय की बात कर रहे हैं वह है गछवाहा समुदाय। इस समुदाय की स्त्रियां इस अनोखी परंपरा का लंबे समय से पालन करती आ रही हैं, यहाँ तक कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए वह 5 महीने तक उदास भी रहती हैं। गछवाहा समुदाय के लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इस समुदाय के आदमी 5 महीनों तक पेड़ों से ताड़ी उतारने का काम करते हैं। इसी दौरान महिलाएं विधवाओं की तरह जिंदगी जीती हैं। ये वही महिलाएं होती हैं जिनके पति ताड़ी उतारने जाते हैं। इस वक्त महिलाएं ना तो सिंदूर लगाएंगी और ना ही माथे पर बिंदी लगाएंगी। इसके अलावा वह किसी तरह का श्रृंगार भी नहीं करती हैं। गछवाहा समुदाय तरकुलहा देवी को अपना कुल देवी मानता है और उनकी पूजा करता है। बता दें कि ताड़ के पेड़ से ताड़ी उतारना काफी कठिन काम माना जाता है। ताड़ के पेड़ काफी ज्यादा लंबे और सीधे होते हैं। इस दौरान अगर जरा सी भी चूक हो जाए तो इंसान पेड़ से नीचे गिरकर मर सकता है। इसीलिए उनकी पत्नियां कुल देवी से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं तथा अपने श्रृंगार को माता के मंदिर में रख देती हैं। समुदाय का मानना है कि ऐसा करने से कुल देवी प्रसन्न हो जाती हैं, जिससे उनके पति काम के बाद सकुशल वापस लौट आते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.